पंडित जी नमस्कार। जो नौका बिहार उत्सव किया जा रहा है, तो नौका बिहार उत्सव का मतलब क्या होता है, क्या है नौका बिहार? नौका बिहार के भगवान ने जब नौका में बैठ के उधर अपने सखियों के साथ नौका बिहार किया है। नौका मतलब नाव, नाव। हाँ, नाव बैठ के सखियों के साथ उन्हें भ्रमण किया है यमुना जी में। उसका स्वरूप हम लोग इधर मुरलियो मंदिर में, तो शास्त्रों में दर्शाया गया है उनकी लीला है। लीला दर्शाई गई है। अच्छा, हम शास्त्र के अलग हट के नहीं चलते हैं। जी जी, हम लोग जो धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, धर्म के अनुसार ही सब काम करते हैं। जी जी जी, क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? दिनांक 4 अगस्त को मुरलियो मंदिर बड़ा बाजार में सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भगवान का नौका विहार होगा। इसी प्रांगण में पानी भरा जाएगा, उसमें यमुना जी का स्वरूप दिया जाएगा, मंदिर का ढोलक दिया जाएगा। आने वालों को ये महसूस हो कि हम वृंदावन में हैं और उसमें भगवान नाव में बैठ के नौका विहार, इसमें नाव भी चलाई जाए, इसमें चलाई जाए, उसी में भगवान बैठेंगे। पानी भरा जाएगा और और फिर सखियाँ कहाँ आसपास रहेंगी? अच्छा, मतलब पूरी उनकी लीला की जाएगी। कितने वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है? ये द्वितीय प्रयास है हमारा, दूसरा प्रयास है। कितने वर्षों से आप कार्यक्रम करते आ रहे हैं? और जैसा कि आपकी मुख्य भूमिका इस कार्यक्रम में रहती है, सहयोग रहता है गुरु जी के साथ, धर्माचारों के साथ, तो कितने सालों से आप ये सहयोग करते आ रहे हैं? देखिए, हमको जब से ये जीव जुड़ा है मंदिर से, जब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को अभी दूसरा वर्ष है, इस कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है। पिछली बार एक छोटे रूप में नौका विहार किया था, इस बार आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा लोग आए इसमें, यही हम लोगों की प्रार्थना है, आप लोगों से अनुरोध है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना उन लोगों को लाभ अर्जित होगा। इसका उद्देश्य क्या है कार्यक्रम करने का, क्या उद्देश्य है? जिस तरीके से कलयुग के वातावरण में प्रदूषित हो रहे हैं, उन प्रदूषित लोगों को जितना प्रदूषित हम लोग नहीं होने दें, यही उद्देश्य रहता कि भाई जो लोग आज के समय में अपना कल्चर भूल गए, अपना धर्म भूल गए, उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ सकें। जैसे आज के बच्चों में मोमोज, पीडीज, बर्गर, यही सब चीज़ें, कम से कम वो एक दिन आएंगे, धर्म में जुड़ेंगे, प्रसाद लेंगे, तो कम से कम हम एक दिन तो कम से कम उनका बर्गर पैटी मोमोज छुड़वा सकते हैं। और उन्हीं तरीके से उनके माँ बापों का है कि माँ बाप जो आएँ इधर पर, कम से कम अपने धर्म से जुड़ेंगे, तो वो फैशन जो फैशन में आ रहा है, उनको लगता है कि जो आधुनिक फैशन है ना, वो है जो उनको आंतरिक फैशन नहीं मालूम कि एक दिन हमें सब कुछ छोड़ के जाना कितने है। कितने लोगों का आने का मतलब अंदेशा है आपको, कितनी भीड़ हो सकती है? देखें, 15,000 से 20,000 आदमी आता है ये 4 घंटे में, तो यह काफ़ी भीड़ रहती, क्योंकि शहर के क्षेत्र का काफ़ी लोग आएगा और आप लोगों के माध्यम से होगा कि पूरे नगर के लोग आएंगे। उस भीड़ को कैसे आप संभालेंगे, कैसे व्यवस्था होगी? दो एंट्रेंस हैं, एक से हम लोग एंट्री कर रहे हैं और एक से निकाल रहे हैं, तो जिसमें कि भीड़ को रोकने नहीं देंगे, सीधा सीधा आए, प्रसाद ले, दर्शन करें। और नहीं तो पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन काम है, योगी शासन में भी अगर पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो फिर तो बेकार है। नहीं तो आपने ज्ञापन दिया होगा कि हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हमें सहयोग चाहिए, वो तो हमेशा देते हैं हम। अच्छा, जैसा कि नौका बिहार उत्सव होने जा रहा है 4 अगस्त को, एक ही दिन का प्रोग्राम है? 4 तारीख में प्रोग्राम होने जा रहा है, वो भगवान की लीला है और भगवान द्वापर में उनने अवतार लिया और वेद में उनने स्पष्ट कहा है कि आवे वाले समय में जो कलयुग आएगा उसमें जो हमारी कथाओं का, लीलाओं का और मंदिरों का जो दर्शन करेंगे, उनके मन का हृदय में हम बैठ के धर्म के आयोजन ऐसे ही कराएंगे। जैसा कि भंडारा भी होगा साथ में? हाँ, इसमें अपन प्रसाद का वितरण करेंगे उसी दिन, और उसमें काफ़ी भक्तों की और श्रद्धालुओं की, महात्मा लोगों का अपन सम्मान दिल से रखेंगे। जैसा कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं या सेवक कहें, दास कहें, जैसा कि आप जाप करते हैं, मत तुलसी डाले हुए भी हैं, तुलसी बहुत महत्वपूर्ण होती है, गले में जिसके तुलसी होती है पता चल जाता है कि वो सनातन धर्म का मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है, जो मतलब कोई गलत चीज़ नहीं खाता है। हम एक प्रश्न बहुत दिमाग में आ रहा है कि जैसे जाप करते हैं हम, आप
तो जाप किस प्रकार से माला का करना चाहिए मानव को, कि जैसे कि सुबह अपन जाप करते हैं तो क्या शाम के भी जाप कर सकते हैं? जी, भगवान का नाम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर है उतने ही पारा। कलयुग में भगवान का जो हरि नाम है उससे ही जीव का उद्धार होगा। इस कलयुग का धर्म है, कलयुग के धर्म का युग था तपस्या करना, दूसरा धर्म आया यज्ञ करना, तीसरा आया भगवान की मूर्ति पूजा करना, चौथा धर्म कलयुग का आया है भगवान का नाम लेना। इस हरि में, इस कलयुग का जो धर्म है वो है हरि नाम का। सनातन धर्म में शास्त्रों में कहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करना चाहिए? जी, शास्त्रों में लिखा है। ब्रह्म पुराण में, नाथ पुराण, नाथ पंचरात्र में, नाथ पंचरात्र तो बना ही इसीलिए है कि भगवान की अष्टोपचार पूजा किस प्रकार से करने चाहिए। अच्छा, जैसे कि गुरु मंत्र और भगवान का जाप में फर्क क्या है? गुरु मंत्र अगर प्रमाणिक गुरु है तो भगवान के नाम का जप देगा, आपको अपना नाम जप नहीं कराएगा। नहीं तो जैसे कि हम सुबह जाप करता है मानव, तो आसन पे बैठ के करता है, तो शाम के भी वो जाप कर सकता है क्या? तो उसी पद्धति से तो कितने बार जाप हो जाए कि सिद्ध हो जाए? प्रमाणिक जो परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, उसे व्यक्ति जोड़ता है तो उसका गुरु उसको आदेश करता है। जैसे हमारे गुरु ब्रह्मा गौड़ीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमारी परंपरा ब्रह्मा जी से आई हुई है, उस परंपरा में हमारे गुरु ने इस युग के लिए हमारी समझ के समझताओं को व्यवस्था देखते हुए हमें 16 माला का जप करने का कहा गया है। 16 माला का जप आप रोज करिए। नहीं, जैसे कि कितने लाख जाप हो जाए कि वो मंत्र सिद्ध हो जाता है? मंत्र सिद्ध करने से सिद्धि थोड़ी करनी है, हमें तो जप करके अपने हृदय नर्म करना है जिससे हम संसारिक कलेशों से दूर होकर भगवान का चिंतन स्मरण कर सकें। जय हरि की महाराज। अरे